क्या आपको पता है कि एनी जॉन्स नाम की एक लेडी 2.5 लाख वर्ड्स की बुक हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज को 47 मिनट में पढ़ के खत्म कर गई, और वही कोई एवरेज रीडर सेम बुक को पढ़े तो 15 से 20 घंटे लगेंगे। हमें एनी जॉन्स की जितनी स्पीड बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम अपनी रीडिंग स्पीड को बढ़ा लें, अपनी एग्जिस्टिंग स्पीड से ज्यादा कर लें, तो हम सेम टाइम में ज्यादा पढ़ सकते हैं, ज्यादा समझ सकते हैं और बचे हुए टाइम को कई जगह और यूज कर सकते हैं। हमारी रीडिंग स्लो होने का सबसे बड़ा जो कारण है ना, वो है सब वोकलाइजेशन। सब वोकलाइजेशन का मतलब है कि जब हम कुछ पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ने वक्त साथ साथ मन में बोल रहे होते हैं। अभी स्क्रीन पे कुछ लाइंस आएंगी, उनको पढ़ के देखना। जब आप पढ़ोगे तो नोटिस करना आप साथ साथ वो लाइंस मन में बोल रहे हो। तो ये होती है सब वोकलाइजेशन। अब सब वोकलाइजेशन की वजह से होता क्या है, जो हमारा दिमाग है ना वो फास्ट पढ़ने की कैपेसिटी रखता है, हमारी आंखें तेज चलने की कैपेसिटी रखती हैं, लेकिन हमारे दिमाग को और हमारी आंखों को अपनी स्पीड स्लो करनी पड़ती है, कम करनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें एडजस्ट करना है, मैच करना है हमारी बोलने की स्पीड, जो हम मन में बोल रहे हैं उस स्पीड के साथ। मतलब दिमाग तेज चल सकता है, आंखें तेज चल सकती हैं, लेकिन हम इससे तेज बोल तो नहीं सकते ना, इसीलिए हमारी रीडिंग स्पीड तेज नहीं हो पाती, फास्ट नहीं हो पाती। फिर से ये लाइंस पढ़ो जो स्क्रीन पे आई हैं, और नोटिस करो जो आपके मन में बोलने की स्पीड है, मन में टॉकिंग स्पीड है, वही आपकी रीडिंग स्पीड है। अब ये सब वोकलाइजेशन आई कहां से और क्या ये जरूरी है? बचपन में जब हम जूनियर क्लासेस में थे, स्कूल में थे, तो हमें ये सिखाया गया था कि बोल बोल के पढ़ना है, बोल बोल के याद रखना है। टीचर कहते थे ए फॉर एप्पल, हम पूरी क्लास पीछे से ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सारी क्लास बी फॉर बॉय। वहीं से हमें आदत पड़ गई कि बोल बोल के पढ़ो, बोल बोल के याद करो, और हमारा मन पढ़ने वक्त साथ साथ बोलना शुरू हो गया। उस टाइम पर यह जरूरी था जब हमें लर्निंग शुरू करनी थी, वो लेवल 1 था। जैसे गेम में कई सारे लेवल होते हैं ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और हम आगे बढ़ते जाते हैं। हम अभी तक लेवल 1 पे रुके हुए हैं, अभी भी बोल बोल के पढ़ रहे हैं, बोल बोल के याद कर रहे हैं। इस चीज़ को अब हम खत्म कर सकते हैं और नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं, और अगर उस चीज़ को खत्म कर लिया तो हमारी रीडिंग स्पीड बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे सब वोकलाइजेशन कम होती जाएगी, हमारी रीडिंग स्पीड बढ़ती जाएगी, और ये कैसे करना है वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। स्टेप 1, यूज पॉइंटर। सबसे पहले आप पेन, पेंसिल या फिंगर को पॉइंटर की तरह यूज करना शुरू करो, टेक्स्ट के साथ साथ मूव करो, फिंगर चलती जाए और आप टेक्स्ट पढ़ते जाओ। इससे होता क्या है, जब हम पॉइंटर नहीं यूज करते ना, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारी आईज एक टाइम पे बहुत कुछ देख रही होती है, जाने अनजाने में हमारी आईज ये भी देख रही होती है क्या निकल चुका है, क्या आने वाला है, और हमारा अटेंशन जो है वो वाइड रहता है। लेकिन अगर हम पॉइंटर यूज करते हैं तो हमारा फोकस उस टेक्स्ट पे है जिस पे हमें फोकस करना है, जो हमें पढ़ना है। इस वजह से डाइवर्जन नहीं होती और हमारी रीडिंग स्पीड बढ़ जाती है। सेकेंड टिप, फोर्स फास्टर रीडिंग। नई आदत डालनी है तो पुरानी आदत तोड़नी होगी। जब भी फास्ट रीडिंग की प्रैक्टिस करनी हो, एक टेक्स्ट पकड़ो और अपनी नॉर्मल रीडिंग स्पीड से तेज अपने पॉइंटर को चलाओ, मतलब नॉर्मल रीडिंग स्पीड से तेज पढ़ने की आदत डालो। इससे होगा क्या, आपका मन फॉलो नहीं कर पाएगा, कभी कुछ बोल पाएगा, कुछ नहीं बोल पाएगा, आप भागते जाओगे। यस, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपकी आदत टूट रही होगी, आपके ब्रेन को अडेप्ट करना पड़ेगा नई स्पीड के साथ, मन में मन की आवाज़ को सुने बिना पढ़ने की आदत डालनी होगी। जब वो पढ़ गई तो उसके पास तो कैपेसिटी है समझने की, जब उसको आदत पड़ गई कि मन की आवाज़ को फॉलो नहीं करना, वो फास्ट स्पीड में टेक्स्ट को पढ़ता जाएगा, समझता जाएगा। शुरू शुरू में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। स्टेप 3, एक्टिव रीडिंग। स्टेप 2 में हमने समझा कि कैसे हम कुछ टाइम रोज निकाल के अपने माइंड को हैबिट दे सकते हैं फास्ट रीडिंग की, लेकिन थर्ड टिप में मैं बात कर रहा हूँ एक्टिव रीडिंग की। एक्टिव रीडिंग से मेरा क्या कॉन्टेक्स्ट है, बेसिकली जब हम पढ़ते हैं ना तो हम एक ही तरीके से, एक ही टोन में पढ़ते जाते हैं, इंपॉर्टेंट एंड अनइम्पॉर्टेंट कंटेंट सेम तरीके से पढ़ते जाते हैं, टेक्स्ट पढ़ते जाएंगे वो दिमाग में बसता जाएगा। लेकिन एक्टिव रीडिंग का मतलब है कि एक्टिव तरीके से टेक्स्ट को पढ़ना, देखना कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या अनइम्पॉर्टेंट है। जहां लगे अनइम्पॉर्टेंट है, राइटर बेस बना रहा है, कवर कर रहा है, वहां पे पॉइंटर को तेज तेज चलाओ, और जहां पे लगे ये टेक्स्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे रिटेन करना है, वहां पॉइंटर की स्पीड स्लो कर दो। मतलब जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो खिसकता जाए, जो इंपॉर्टेंट है वहां रुकते जाए। खुद से देखना, खुद से टेक्स्ट को दिमाग में बिठाना, एक्टिव तरीके से पढ़ना कि कहां क्या कौन सी काम की चीज है। ऐसा करने से आपकी स्पीड भी बढ़ती है और आप ज्यादा लर्न कर पाते हो, ज्यादा नॉलेज को रिटेन कर पाते हो। इन तीनों स्टेप्स को इफेक्टिवली यूज करने के लिए एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि आपको अपनी रीडिंग स्पीड पता होनी चाहिए, उसको कैलकुलेट करो। ये करना बहुत ही आसान है, मैं आपको बता देता हूं कैसे। कोई एक बुक जो आप पढ़ना चाहते हो उसका एक पेज निकाल लो, उस पेज पे जो पहली 5 लाइंस है उसके वर्ड्स काउंट करो, जो भी टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हो उसको 5 के साथ डिवाइड कर दो, क्योंकि 5 लाइंस थी।
सो मान लीजिए 60 वर्ड्स थे 5 लाइंस में, तो 60 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि एवरेज 12 वर्ड्स पर लाइन है इस बुक में। अब टाइमर लगाओ, एक मिनट का टाइम सेट कर लो। जैसे टाइमर को स्टार्ट करो, पढ़ना शुरू कर दो। एग्जैक्ट एक मिनट बाद जैसे ही टाइमर बंद हो, आप भी पढ़ना स्टॉप कर दो। अब देखो कि आपने कितनी लाइंस पढ़ी हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने एक मिनट में 20 लाइंस पढ़ी और आपको ये पता है कि एक लाइन में 12 वर्ड्स हैं, तो 20 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब आपने एक मिनट में 240 वर्ड्स पढ़े हैं, तो आपकी रीडिंग स्पीड हुई 240 वर्ड्स पर मिनट। नए रिकॉर्ड बनाने के लिए क्या करना होगा? पुराने रिकॉर्ड को तोड़ना होगा। तो जो भी आपकी रीडिंग स्पीड निकलती है उसको तोड़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, खुद को चैलेंज करते जाओ। उससे ऑटोमेटिकली आपको ट्रिगर मिलेगा और अपने पे वर्क करने का, इन स्टेप्स को फॉलो करने का, अपनी रीडिंग स्पीड को बढ़ाने का। एक बार इस वीडियो को समराइज कर लेते हैं सो दैट इस वीडियो के की पॉइंट्स आपको मिल जाएं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर फोटो क्लिक कर लो सो दैट आप इन पॉइंट्स को जब चाहो रेफर कर पाओ। स्टेप वन, यूज पॉइंटर। टेक्स्ट के साथ साथ पॉइंटर को मूव करो, फोकस के साथ पढ़ो। सेकेंड स्टेप, फोर्स फास्टर रीडिंग। अपनी नॉर्मल स्पीड से तेज पढ़ो सो दैट आपके माइंड की पुरानी हैबिट टूटे, वो आंखों की स्पीड से मैच करता जाए और सब वोकलाइजेशन का असर घटता जाए। स्टेप थ्री, एक्टिव रीडिंग। टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस के हिसाब से अपनी स्पीड को एडजस्ट करो। एंड इन तीनों स्टेप्स से रिजल्ट लेने के लिए अपनी रीडिंग स्पीड मेजर करो, पुराने रिकॉर्ड तोड़ते जाओ, नए रिकॉर्ड बनाते जाओ। और हाँ, ये हो सकता है कि शुरू में कुछ टाइम के लिए आपकी रीडिंग स्पीड स्लो हो जाए, क्योंकि आपके लिए नई आदत है पॉइंटर को यूज करना, फास्ट पढ़ना, स्पीड को कंट्रोल करना। लेकिन एक बार जब आपने ये आदत डाल ली, उसके बाद आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी और स्पीड के साथ साथ आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी परफॉर्मेंस, आपके रिजल्ट्स और आपके टाइम मैनेजमेंट सब बढ़ता जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखना, और अगर काम की लगी हो तो लाइक दबा देना। दूसरों को भी हेल्प करना, इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर जरूर करना। ऐसी कई और वीडियोस जो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकती हैं, परफॉर्मेंस बढ़ा सकती हैं, आपको ग्रो करने में हेल्प कर सकती हैं, ऐसी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब दबा दे और नोटिफिकेशंस वाली जो बेल है उसको क्लिक कर दे। वीडियोस, मेरी एफर्ट्स, मेरी कोशिशें आप तक पहुंचती रहेंगी, मिलके हम सीखते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम या मेरी वेबसाइट पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, आपका वहां पे स्वागत है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, इसी तरह से कदम बढ़ाते रहेंगे, काफिले बनाते रहेंगे। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड आई लव यू ऑल।